केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को पूरे विपक्ष का समर्थन चाहिए ताकि इस अध्यादेश को वह कानून बनने से राज्यसभा में रोक सकें। कांग्रेस के लिए विपक्ष को जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन कांग्रेस की चौखट पर पहुंचकर केजरीवाल के लिए समर्थन का झूला फैला लिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल को नीतीश कुमार समझाते रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस का समर्थन नहीं जुटा पाए। लेकिन मीडिया में ये अफवाह फैला दी कि कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। फिर आनंद फानन में केसी वेणुगोपाल सामने आए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस इस पर राज्य इकाई और दूसरे समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर सलाह करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अनावश्यक टकराव, राजनीतिक रूप से निशाना बनाना और झूठ के आधार पर अभियानों की अनदेखी नहीं करती है। कांग्रेस नेता का ये बयान इन अफवाहों के बीच आया कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह की नरमी के खिलाफ है और वह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर चुकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिल पाना काफी मुश्किल है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला करती है तो ये फैसला दिल्ली इकाई के लिए विनाशकारी होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के संबंध में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और कुछ विभागों को छोड़कर सभी में उसे अधिकार दिया था। केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है जिसके बाद से हंगामा मचा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर सीएम केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने इस अध्यादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया था। नीतीश ने मुलाकात के बाद कहा कि एक निर्वाचित सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? ये संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार निकले थे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने। इसके लिए वे कई पार्टियों के नेता और मुख्यमंत्रियों से मिले। यूपीए में शामिल पार्टियां तो तुरंत तैयार हो गईं, लेकिन बाकी विपक्ष के लिए वे पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन वे जल्द ही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाने वाले हैं। ऐसी बैठकें देश में पहले भी कई बार हो चुकी हैं और इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। नीतीश कुमार पिछले 40 दिनों में अरविंद केजरीवाल से दूसरी बार मिले। पहली बार तो वे विपक्ष की एकजुटता के लिए मिले थे। केजरीवाल ने सकारात्मक रुख भी दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार की जाते ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। रही सही कसर कांग्रेस ने कर्नाटक के शपथ ग्रहण में उन्हें नहीं बुलाकर कर दी। फिर अचानक नीतीश कुमार बेंगलुरु से दिल्ली आ गए, केजरीवाल से मिले, फिर केजरीवाल के लिए समर्थन मांगने निकल पड़े और इस बात पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायकों के साथ आज लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने उस दौर में पूरे देश का दौरा करके विपक्ष को एकजुट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 रह गए, सिर्फ 23 विधायक जीते और वे सत्ता से ही बाहर हो गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का कोई ठिकाना नहीं है। आज आरजेडी का बिहार में 0 MP है, वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का खुद का कोई ठिकाना नहीं वो देश की दूसरी पार्टियों को इकट्ठा कर रहा है। पीके ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए तो ये पूछना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार और लालू टीएमसी को बिहार में एक भी सीट देने को तैयार हैं? आज क्या नीतीश कुमार हमसे ज्यादा ममता बनर्जी को जानते हैं? पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार को पूछता कौन है? आप मेरी बातों को लिख कर रख लीजिए। नीतीश कुमार का भी
वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की मुसीबत काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस सतर्कता विभाग के विशेष सचिव से काम काज छीन लिया गया था उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने YVVJ राजशेखर के दफ्तर में सिंधमारी मामले की जांच शुरू कर दी है। पद से हटाए जाने के बाद राजशेखर ने शराब घोटाला और रिनोवेशन घोटाले से जुड़ी फाइल्स में छेड़छाड़ की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उनके कमरे की जासूसी की गई है। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर को उनके पद पर बहाल कर दिया गया। एक हफ्ते पहले राजशेखर को उनके पद से हटा दिया गया था। राजशेखर ने आरोप लगाया था कि संवेदनशील फाइल्स से छेड़छाड़ करने के लिए उनके ऑफिस में सेंध लगाई गई थी। सतर्कता सचिव द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि राजशेखर हमेशा की तरह काम फिर से शुरू करेंगे। वह सहायक निदेशक काम के संबंध में 10 मई जैसी स्थिति बनाए रखेंगे। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया गया था, उनसे फाइल्स ले ली गई थी। आदेश में सेवा मामलों को LG के नियंत्रण में लाने से संबंधित केंद्र के हालिया अध्यादेश के मद्देनजर कमरा संख्या 403 404 का गोपनीय खंड को सील हटाने का भी निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने राजशेखर की उस शिकायत की जांच शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने सचिवालय में अपने कार्यालय का ताला खोलने और आबकारी नीति और मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण की जांच से जुड़ी फाइल्स समेत संवेदनशील फाइल्स से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। दिल्ली सचिवालय के केयर टेकिंग विभाग के अधिकारी ने सतर्कता विभाग के सचिव राजशेखर के कमरे का सील खोलने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सचिवालय के केयर टेकिंग विभाग के अधिकारी बिजुराज ने केंद्र सरकार की ओर से 19 मई के अध्यादेश का हवाला देते हुए राजशेखर के कमरा नंबर 404 को दोबारा खोलने और उनके छीने गए कामकाज को वापस देने की बात कही। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजशेखर के विजिलेंस विभाग और सेवा विभाग से जुड़े हुए सभी कामकाज वापस ले लिए थे, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश आते ही दोबारा LG के निर्देश पर उन्हें सारा काम वापस दे दिया गया है। सेवा विभाग का रूम नंबर 403 जो राजशेखर की निगरानी में था उसमें से फाइल्स में सेंधमारी को लेकर राजशेखर ने आरोप लगाया था उसे लेकर जानकारियां मांगी गई हैं। सेवा विभाग के अधिकारी बुनियाद सिंह से उन सभी फाइल्स की जानकारी मांगी गई है। वहीं राजशेखर को दोबारा से सभी कामकाज मिलने के बाद आशंका ये जताई जा रही है कि सरकार और LG के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में यह अध्यादेश 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 5 मिनट के अंदर अध्यादेश को डस्टबिन में डलवाने सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और राज्यसभा में अध्यादेश को कानून बनाने से रोकने की मुहिम पर निकल पड़े। ये जानते हुए भी कि ये काम उनके लिए कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के सहारे अपना दांव चल दिया कि केंद्र सरकार राज्यसभा में हारेगी तो 2024 का फैसला उसी से हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इरादा ये नहीं, कुछ दूसरा है। वे इस मुहिम के सहारे अपनी पार्टी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उनके हाथ केंद्र सरकार का ताजा अध्यादेश भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद में है। हालांकि ये राह उनके लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनके लिए कांग्रेस या दूसरे दल भाजपा की तरह ही दुश्मन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग उनका विपक्षी एकजुटता फॉर्मूला है। दिल्ली सरकार और केंद्र का झगड़ा पुराना है, लेकिन नए अध्यादेश के बाद ये और भी बढ़ गया है। इस झगड़े में अब विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि कहीं न कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों की कमोबेश यही स्थिति है। इसी का फायदा उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से केंद्र के नए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। वह स्पष्ट तौर से विपक्ष को एकजुट होकर अध्यादेश को संसद में हराने के लिए जोड़ तोड़ की कवायद में हैं। इसे लेकर वह फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं और इस बिल को राज्यसभा में हराकर क्रेडिट लेने की होड़ में हैं। गेंद को अपने कोर्ट में लेकर एक मंच पर सभी विपक्ष को लाकर वह केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक दांव साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ तो 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल साबित होगा और इससे पूरे देश में संदेश जाएगा कि 2024 में केंद्र से भाजपा की सरकार जा रही है। केजरीवाल इस मुद्दे पर दूसरे दलों के नेताओं का समर्थन पाने के लिए उनसे मुलाकात करने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं।
क्योंकि संख्या के आधार पर देखा जाए तो एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत से सीटें कुछ कम हैं। लिहाजा लोकसभा में तो बहुमत भाजपा को मिल जाएगा, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा कठिन होगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस है, क्योंकि नीतीश कुमार की कोशिशों के बावजूद उसने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। केजरीवाल की पार्टी से पूरी तरह से कांग्रेस की दूरी बनी हुई है। रणनीतिकारों का भी ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही पुराने जनाधार को अपने पक्ष में करके मजबूत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस का पक्ष में आना थोड़ा कठिन है। प्रदेश कांग्रेस ने यही कहा कि केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता, दिल्ली में बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था और अस्थिरता के कारण दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया और उन्हें 1 जून तक तिहाड़ में भेज दिया। शराब घोटाला के आरोपी मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से निकलते समय दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार छीनने वाले अध्यादेश को लेकर अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश पीएम मोदी का घमंड है। हालांकि पुलिस ने उन्हें मीडिया से बातचीत करने से रोका, लेकिन मनीष सिसोदिया रुके नहीं तो पुलिस के अधिकारी उन्हें जल्दी से खींच कर ले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की और कहा ये सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके नाराजगी जताई और पूछा कि क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया था और इस दौरान मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर पुलिस ले जाती हुई दिखाई दी। इस वाक्य की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर ले जाने वाली क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि क्या पुलिस को इस तरह से मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? दरअसल इस क्लिप को सीएम केजरीवाल ने आतिशी मारलीना के अकाउंट से रीट्वीट किया। आतिशी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिस कर्मचारी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार किया गया। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने पेशी के दौरान एक टेबल, चेयर और कुछ किताबों की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म होनी थी, जिसको लेकर उन्हें पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को अनपढ़ कहते हैं और शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया चौथी पास। आम आदमी पार्टी के दूसरे तमाम नेता ऐसा ही बयान देते रहते हैं। इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत में पेश होने को कहा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी को अनपढ़ कहने के मामले में पटना में केजरीवाल के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने को लेकर जुर्माना लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने कहा कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोनों आरोपियों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा था। आज उसी के सिलसिले में तारीख थी, लेकिन समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं है, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों को शिकायत प्रतियों के साथ नए सिरे से समन जारी किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है। इससे पहले 31 मार्च को डिग्री विवाद में अरविंद केजरीवाल को उस समय झटका लगा जब हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने 7 साल पहले गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को सूचना देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 4 सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा था। दूसरी तरफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा दायर परिवाद में 332A, 500 और 505 IPC की धाराएं लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ कहने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने परिवाद दायर किया है। इसमें कहा गया कि 19 मई को अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को मानहानिकारक शब्द अनपढ़ कहा। इससे पहले भी आरोपी ने टॉप पॉलिटिशियन के खिलाफ कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। कोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी चुनाव के नॉमिनेशन पेपर में मौजूद है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।
परिवादी ने बताया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द से करोड़ों भारतीयों को ठेस पहुंची है। वो भारत की जनता की ओर से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे लोगों की भावना आहत हुई है। 19 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2000 रुपए के नोट बंद करने की आलोचना की थी और इसे लेकर ट्वीट किया था, पहले बोलो 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं, भुगतान जनता को करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से एलजी को दे दिया। केजरीवाल सरकार की तरफ से हटाए गए अधिकारी की फिर से बहाली हो गई। बंगला घोटाले की फाइल खुल गई। ऑफिस में सेंधमारी मामले की जांच में पुलिस जुट गई और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के जो नतीजे आए थे वही नतीजे घोषित किए जाएं। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव फिर से कराने की बात कही थी और नतीजों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि दोबारा चुनाव नहीं कराया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शैली ओबेरॉय द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला सही नहीं था, इसलिए जो परिणाम 24 फरवरी को आए थे वे घोषित नहीं किए जाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था उसकी काउंटिंग की जाए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जब रद्द किया गया था उस दौरान काफी बवाल हुआ था। तब बीजेपी की काउंसलर शिखा रॉय और कमलजीत शहरावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और चुनाव को रद्द न करने की मांग की थी। हाईकोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था और अब उस पर फैसला आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।